Welcome students. Today we are going to discuss further in commercial banking. In the first part, we have discussed about the primary functions of commercial banks. And in this part, we are going to discuss about the secondary functions. So to begin with the second part of the functions of commercial banks, I would like to give you a quick recap of what we have done in primary functions. So I told you in the previous video that the primary functions of commercial banks are divided into three categories. The first one is accepting deposits. Second category was of advancing loans. And last part is credit creation. Look, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में मैंने आपको बताया था कि जब पब्लिक सरप्लस फंड्स अपने बैंक के पास पार्क कर देती है तो दैट इज नोन एज डिपॉजिट फॉर अ बैंक. तो आप कैसे अपना जो पैसा है वो बैंक के पास डिपॉजिट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट. आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा के अपने डिपॉजिट्स पार्क कर सकते हो बैंक के पास. सेकेंड, आप FD करवा सकते हो, आप रेकरिंग डिपॉजिट करवा सकते हो RD. एंड लास्टली आई टोल्ड यू अबाउट करंट अकाउंट. एडवांसिंग लोन्स में किस तरह के लोन्स जो है वो बैंक आपको देता है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, टर्म लोन, इस तरह के लोन्स जो है बैंक आपको देता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, डिस्काउंटिंग योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एंड क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको विद फिगर्स एंड चार्ट एक्सप्लेन किया था. सो दिस इज ऑल वी हैव डन इन प्राइमरी फंक्शंस. The second category of functions in commercial banking is the secondary functions. The secondary functions में आपको मैंने दो categories बताई थी. The first one is the agency functions and another one is the general utility services. इसमें हम first part इस slide में discuss करेंगे, that is agency functions. देखिए agency functions में what I told you was that the customer acts as a principal. जो आप हैं वो एक तरह से principal हैं और जो बैंक है वो आपका एजेंट है. सो देयर इज अ प्रिंसिपल कस्टमर, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक. तो आपके इंस्ट्रक्शंस पे जो बैंक है वो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा. और वो क्या एक्टिविटीज हैं, दीज आर शोन हियर. द फर्स्ट वन इज द कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स. पहले हम कलेक्शन एंड पेमेंट में कलेक्शन डिस्कस करेंगे. कुछ आइटम्स को कलेक्ट करेगा कमर्शियल बैंक आपके बिहाफ पे. फॉर एग्जांपल, आपके कस्टमर से आपको चेक मिला है, वो चेक्स आप बैंक में लगाते हैं, उस चेक की पेमेंट बैंक कलेक्ट करेगा आपके कस्टमर से, चेक्स की कलेक्शन करेगा. मान लीजिए आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड की पेमेंट कलेक्ट करेगा आपके बिहाफ पे. मान लीजिए आपने कहीं डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, उस इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो कलेक्ट करेगा बैंक आपके बिहाफ पे. सो ऐसे कुछ आइटम्स जैसे कि चेक्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए, इन सब को कलेक्ट करता है बैंक आपके बिहाफ पे. और आपके बिहाफ पे बैंक कुछ पेमेंट्स भी करता है. कौन कौन सी पेमेंट्स हैं जो आपके बिहाफ पे करेगा बैंक? फॉर एग्जाम्पल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि हर महीने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको डिपॉजिट करवाना है, हो जाएगा. आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, आप अपने बैंक को बोल सकते हैं, बैंक कर देगा. आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, आप अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, हर महीने आपकी पॉलिसी पे प्रीमियम जाता रहेगा. तो इस तरह से आपके बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स जो है वो बैंक कर सकता है as your agent. So this is the first agency function, collection and payment of various items. The
सेकेंड एजेंसी फंक्शन इज द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज. अब सिक्योरिटीज में क्या आता है? सिक्योरिटीज मीन्स आपने कहीं पे शेयर्स परचेज करने हैं या सेल करने हैं, डिबेंचर्स परचेज करने हैं या सेल करने हैं, किसी तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं आपने सेल करने हैं या परचेज करने हैं, इस तरह की जो सिक्योरिटीज हैं आप म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स हैं उनको आप बेचना चाहते हैं, तो ऐसी सिक्योरिटीज को आपके कहने पे, आपके इंस्ट्रक्शंस पे खरीदता है या बेचता है कौन? कमर्शियल बैंक. दिस इज द अनदर एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. द थर्ड वन इज द ट्रस्टी. अब ट्रस्टी का मतलब होता है हिंदी मतलब संरक्षक. आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए ट्रस्टी बन सकता है कमर्शियल बैंक. अनदर वन इज रेमिटिंग मनी. रेमिटेंस का मतलब क्या है? पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना इज रेमिटेंस. अब जो बैंक है वो पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचा सकता है? आरटीजीएस के जरिए या फिर एनईएफटी या फिर ईसीएस. तो इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को यूज करके बैंक आपका जो पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर आपके बिहाफ पे मनी को रेमिट करता है. अनदर एजेंसी फंक्शन इज द परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज क्या है? आपकी डोमेस्टिक करेंसी इज रुपीज. डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के बाहर वाले जितने भी देशों की जो करेंसी है दैट इज नोन एज फॉरेन करेंसी. तो इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी क्या हो सकती है? डॉलर, पाउंड, येन, ऐसी बाहर वाली जितनी भी करेंसी हैं जो बाहर वाले कंट्रीज से रिलेटेड हैं, दे आर ऑल फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया. तो आपको फॉरेन एक्सचेंज बेचना भी पड़ सकता है, कभी ना कभी खरीदना भी पड़ सकता है. तो ऐसा करने के लिए आप कमर्शियल बैंक की हेल्प ले सकते हैं. तो दिस इज अनदर एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. एंड द लास्ट वन इज द अदर एजेंसी फंक्शंस. अदर एजेंसी फंक्शंस में आप किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शंस आप बैंक को दे सकते हैं, जैसे कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं बैंक को कहकर. बैंक आपका एजेंट बनकर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, या फिर कुछ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कहने पे रिसीव कर सकता है कमर्शियल बैंक. सो दीज आर द सिक्स एजेंसी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. द सेकेंड कैटेगरी इन सेकेंडरी फंक्शंस इज द जनरल यूटिलिटी सर्विसेज. जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में द फर्स्ट पार्ट इज द इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. नाउ व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली आपका फॉरेन ट्रेड में यूज होता है. मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज पार्टी बी. ए इंडिया में है जो कि अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है टू एन इम्पोर्टर जो कि यूएस में है. फाइन, ये इसको सामान सेल करना चाहता है, लेकिन इसको डाउट है कि पता नहीं बी आने वाले टाइम में इसके सामान की पेमेंट इसको कर पाएगा या नहीं. तो अपने डाउट्स को दूर करने के लिए ये बी को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप अपने बैंक से मुझे अपने क्रेडिट वर्दीनेस का सर्टिफिकेट लाके दीजिए, और ऐसे सर्टिफिकेट को लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है. जो बी है वो अपने नेम पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाएगा और इसको हैंड ओवर कर देगा टू ए, और ए को ये सर्टिफाई हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इनकेस अगर कल को बी ए को पेमेंट नहीं कर पाता तो ए की पेमेंट बी का बैंक करेगा. तो इस तरह से जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो फॉरेन ट्रेड में हेल्प करता है. द सेकेंड कैटेगरी इज इशूइंग ट्रेवलर्स चेक. आप एक कंट्री से दूसरी जगह में दूसरी कंट्री में ट्रेवल करना चाहते हैं. अगर आप करेंसी कैरी करेंगे तो आपको करेंसी के चोरी होने का डर रहेगा, थेफ्ट का डर रहता है. तो ऐसे में अगर आप करेंसी कैरी ना करते हुए अगर आप एक चेक कैरी कर ले जिसको कि आप ट्रैवलर्स चेक कहते हैं, तो आप इस रिस्क से भी बच जाएंगे. अदर कैटेगरी इज इशूइंग क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड इज अ प्लास्टिक मनी. आपको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है
क्रेडिट कार्ड इज प्लास्टिक मनी। आपको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है, आप उस कार्ड को यूज करके अलग अलग आउटलेट्स पे जाकर कुछ भी बाय कर सकते हैं। अनदर जनरल यूटिलिटी सर्विसेज इज द मर्चेंट बैंकिंग सर्विस। नाउ मर्चेंट बैंकिंग सर्विस क्या है? कुछ बहुत ही लार्ज कॉरपोरेशंस होती हैं, उनको जब अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में फ्लोट करनी होती हैं तो उनको काफ़ी तरह की सर्विसेज चाहिए, जैसे कि उनको अंडरराइटिंग की सर्विस चाहिए होती है, उनको फैक्टरिंग की सर्विस चाहिए होती है, या फिर ऐसी और काफ़ी बड़ी सर्विसेज हैं जो कि एक लार्ज कॉरपोरेशन को चाहिए होती हैं। तो ऐसी जो सर्विसेज हैं वो बैंक फुलफिल करता है ऑन द बिहाफ ऑफ दीज लार्ज कॉरपोरेशंस। अनदर कैटेगरी हियर इज प्रोवाइडिंग डिपॉजिटरी सर्विसेज। अब डिपॉजिटरी सर्विसेज में क्या है, बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करता है। डीमैट अकाउंट में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स या इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डीमैट अकाउंट। एंड द लास्ट कैटेगरी इज द लोकल लॉकर फैसिलिटीज। बैंक को लॉकर चार्जेस पे करके आप लॉकर खुलवा सकते हैं, उस लॉकर में आप मनी रख सकते हैं, अपना कैश या फिर कुछ ज्वेलरी या फिर वैल्यूएबल आइटम्स आप इन लॉकर्स पे रख सकते हैं। सो दीज आर सम जनरल यूटिलिटी सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। थर्ड पार्ट ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सेकेंडरी फंक्शंस का रिकैप कर लेते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज एजेंसी फंक्शंस, सेकेंड पार्ट इज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। एजेंसी फंक्शंस में मैंने आपको क्या बताया था, वेरी क्विकली कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स आपके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे परचेज करना या फिर सेल करना ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर कस्टमर के बिहाफ पे ट्रस्टी का काम करना, कस्टमर के बिहाफ पे कस्टमर का पैसा जो है उसको रेमिट करना बाय वे ऑफ आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस, फॉरेन एक्सचेंज को बाय करना या सेल करना on the instructions of the customer, and other agency functions जिसमें हमने बात करी थी about trade documents and income tax return आपके बिहाफ पे फाइल कर सकता है बैंक आपका, अगर आप बैंक को इंस्ट्रक्ट करें। General utility services में we had discussed about the issuance of the letter of credit, bank aapke behalf pe letter of credit issue karta hai, travelers check issue karta hai aapke behalf pe, credit card issue karta hai, merchant banking services provide karta hai aapko डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करके डीमैट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड आपको लॉकर सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक। सो दिस इज ऑल इन सेकेंडरी फंक्शंस। सो द लास्ट पार्ट इन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज द सोशल फंक्शंस, एंड देयर आर फोर हेडिंग्स अंडर दिस। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज हेडिंग्स वन बाय वन। द फर्स्ट social function is the social welfare. Now social welfare means सामाजिक कल्याण। अब जो banks हैं वो सामाजिक कल्याण या social welfare किस तरह से करते हैं, बहुत सारी ऐसी schemes हैं जो कि banks run करते हैं जिससे कि social welfare हो। For example, education loan,
एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करते हैं हायर स्टडीज के लिए, या फिर होम लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स, जिससे कि सोशल वेलफेयर हो। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करके जो बैंक्स हैं वो सोशल वेलफेयर में हेल्प करते हैं। अनदर सोशल फंक्शन इज द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। अब हमारे रूरल सेक्टर में बेसिकली कौन कौन है? फार्मर्स आते हैं यहाँ पर, आर्टिजन्स आते हैं, छोटे मोटे से जो कलाकार हैं जो पॉटरी करते हैं, या फिर ऐसे छोटे मोटे काम जो घर से रन करते हैं, या फिर पेटी ट्रेडर्स। पेटी ट्रेडर्स मतलब छोटे व्यापारी। तो जो रूरल सेक्टर में ऐसे लोग हैं उनको बैंक्स जो हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और ऐसा करके बैंक्स रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अनदर सोशल फंक्शन इज द इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव होता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। व्हाट आर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपके व्हीकल्स आ जाते हैं, आपकी डोमेस्टिक अप्लायंसेस, एसीज, कूलर्स, ऐसी चीजें। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए कस्टमर्स को जो लोन्स चाहिए, ऐसे लोन्स प्रोवाइड करके कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करते हैं। एंड दे प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। अब बैंक्स एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रमोट करते हैं? हमारी कंट्री में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ अपना अगर कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहे तो इस बिजनेस वेंचर के लिए वो लोन्स ले सकते हैं बैंक से। और ऐसा करके मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस रन किया तो उसमें आपको पर्सन्स चाहिए, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयड यूथ को उनके बिजनेस सेट करने के लिए लोन्स देकर जो बैंक्स हैं वो इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। सो इन दिस वे द बैंक्स हेल्प्स इन सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट। विद दिस द थ्री कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इज ओवर। वेरी क्विकली लेट्स रीकैप द फंक्शंस। कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस हैं दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। मेरे साथ साथ आप रिवाइज कीजिए। द फर्स्ट कैटेगरी इज प्राइमरी फंक्शंस, ए। बी कैटेगरी इज सेकेंडरी फंक्शंस एंड सी कैटेगरी इज सोशल फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के मैंने आपको तीन कैटेगरीज डिस्कस करी हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज एक्सेप्टिंग deposits. Second category is advancing loans. And third category here is credit creation. Accepting deposits में आपने different accounts करे थे, FD account किया था आपने, savings account के बारे में पढ़ा, इसमें रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पढ़ा, करंट अकाउंट के बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पर। एडवांसिंग लोन्स में हमने सीसी लिमिट के कैश क्रेडिट के बारे में बात करी, हमने टर्म लोन के बारे में बात करी, वी डिस्कस्ड अबाउट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और क्रेडिट क्रिएशन में कैसे आपकी जो बैंक्स हैं वो लोन्स दे देकर किस तरह से जो क्रेडिट है उसको क्रिएट करते हैं, इस बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ करवाया था विथ फिगर्स। सेकेंड कैटेगरी में आपके सेकेंडरी
फंक्शंस आते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. द फर्स्ट वन इज एजेंसी फंक्शंस एंड अनदर वन इज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज. एजेंसी फंक्शंस में हमने कलेक्शन एंड पेमेंट की बात करी थी. हमने सिक्योरिटीज को सेल परचेज की को लेकर बात करी थी. हमने ट्रस्टी की बात करी थी. मनी रेमिटेंस की बात करी थी. फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और कुछ अदर फंक्शंस के बारे में. एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रैवलर्स चेक, क्रेडिट कार्ड, locker facilities, we discussed about merchant banking services, and letter of credit. And social functions mein, we discussed about four points, that is samajik kalyan, social welfare, development of rural sector, improvement in the standard of living, and lastly, employment promotion. So, here is the complete chart of the functions of commercial banks. So, जब भी आपसे commercial banks के functions के बारे में question पूछा जाएगा तो आप स्टार्ट करेंगे इस चार्ट से और ये चार्ट बनाने के बाद आप आगे जाएंगे इसकी एक्सप्लेनेशन में.